guys, welcome back to my channel and welcome to the first video of 2020. First of all, a very happy new year to all of you. और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप जो है सिर्फ 4 लैक्मे प्रोडक्ट्स का यूज़ करके जो है ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं. और साथ में जो है मैं आपके साथ कुछ हैक्स भी शेयर करूँगी कैसे आप जो है सिर्फ एक प्रोडक्ट को डिफरेंट तरीकों से जो है यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कॉमेंट ज़रूर कर देना. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी लैक्मे की सीसी क्रीम. इसमें जो मेरा शेड है दैट इज बेज. इसको मैं पहले जो है अपनी फिंगर्स की हेल्प से जो है डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूंगी ताकि ये मेरे फेस पर जो है इवनली स्प्रेड हो. एंड देन अपनी फिंगर्स की हेल्प से जो है इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी. तो गाइस, इस सीसी क्रीम को मैंने ब्रश से ट्राई किया, ब्यूटी ब्लेंडर से किया ट्राई किया, बट समहाउ आई फील कि ये फिंगर से जो है एकदम बेस्ट वर्क करती है. और जब मैं इसको फिंगर से ब्लेंड करती हूँ तो ये बिल्कुल भी केकी और पैची नहीं लगती. उसके बाद सेम इसी सीसी क्रीम को जो है मैं अपने अंडर आइज पे अप्लाई करूंगी एज माय कंसीलर. और गाइस, क्योंकि सीसी क्रीम की जो कंसिस्टेंसी होती है और कंसीलर की कंसिस्टेंसी जो होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी सीसी क्रीम में जो है थोड़ा सा लूज पाउडर ऐड करूंगी. ये लैक्मे का रोज पाउडर है. एंड देन जब मैं इन दोनों को मिक्स करके अप्लाई करूंगी तो आप देखेंगा कि जो सीसी क्रीम है वो एकदम परफेक्टली कंसीलर की तरह थिक हो जाएगी और बहुत ही अच्छी कवरेज भी देगी. और फिर जो है मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है ब्लेंड कर लूंगी. उसके बाद अपने कंसीलर को सेट करने के लिए मैं अप्लाई करूंगी लैक्मे का रोज पाउडर. मैं इसको ब्रश की हेल्प से जो है पहले अपने अंडर आइज पे अप्लाई करूंगी, बेसिकली बेक करूंगी. और फिर उसी ब्रश में जो है थोड़ा सा पाउडर डस्ट ऑफ करके बहुत ही लाइट हैंड से जो है अपने फेस को भी सेट कर लूंगी. अब गाइस, क्योंकि यहाँ मैंने 4 प्रोडक्ट यूज़ करने हैं और हमारे पास आईब्रो पेंसिल नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले जो है ये लैक्मे का काजल लूँगी एंड देन इसको पहले अपने हैंड पे अप्लाई करूँगी और फिर एक एंगल ब्रश पे अप्लाई करके इससे जो है अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी. अगर मैं डायरेक्टली जो है काजल से अपने आईब्रोज को फिल करती तो मेरी जो आईब्रोज है वो बहुत ही मेडअप लगती. तो ये आपका पहला हैक है अगर आप जो है अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल नहीं है तो आप इस हैक से जो है अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हैं. और आप देख सकते हैं लिटरली कितनी अच्छी तरीके से आईब्रोज फिल हो गई. और फिर उसके बाद जो है मैं एक ब्रश की हेल्प से अपने जो अंडर के बेक था उसको डस्ट ऑफ कर दूंगी. उसके बाद मैं वापस से जो है काजल लूंगी और उसको जो है अपनी लैश लाइन के एकदम क्लोज जो है बिल्कुल भी क्लीन ना होते हुए जो है अप्लाई करूंगी. और फिर जो है मैं उसको अपने लोअर लैश लाइन पे भी जो है थोड़ा सा थिक काजल अप्लाई करूंगी. उसके बाद मैं एक स्मजर ब्रश लूंगी और अपने अपर लैश लाइन के काजल को जो है स्मज करूंगी. बेसिकली हम यहाँ एक यू नो स्मोकी आइज करने वाले हैं. तो आप देख सकते हैं कि मैं इधर उधर जो है कहीं पे भी ब्लेंड नहीं कर रही हूँ. जब भी आप स्मोकी आइज करते हैं तो आपको उसी जगह पे जो है थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करना होता है. तो इसी तरीके से जो है मैं दोबारा काजल अप्लाई कर रही हूँ एंड देन उसी जगह पे जो है एक स्मजर ब्रश की हेल्प से जो है उसको ब्लेंड कर रही हूँ. सेम उसी तरीके से जो है मैं अपनी दूसरी आइज में भी कर लूंगी. उसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की. और लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे की 9 to 5 लिपस्टिक. इसमें जो मेरा शेड है आई थिंक इट्स रोज टच. डेफिनेटली मैं जो लिपस्टिक है वो नीचे मेंशन कर दूंगी. ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छी है. और सेम इसी लिपस्टिक को जो है मैं ब्लश की तरह भी जो है अप्लाई करूंगी अपने चीक्स पे और उसको जो है मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है ब्लेंड कर लूँ. और यहाँ कंप्लीट हो गया मेरा फाइनल मेकअप लुक. अब देख सकते हैं कि 4 प्रोडक्ट का ही यूज़ करके मैंने कितना प्यारा सा मेकअप कर दिया. सो गाइस, ये थी मेरी आज की पहली वीडियो 2020 की. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना. और यू नो साल बदल गया है तो मैंने जो है कुछ चीज़ें भी बदली हैं, तो आगे आपको और अच्छा अच्छा कंटेंट जो है देखने को मिलेगा. तो उसके लिए मेक श्योर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियोज़ जो है मिस ना करें. एंड येस, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है @couchydiva. लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड येस, ये थी मेरी आज वीडियो. मैं जल्दी मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. अब खोने लगा है पाकर तुझे, हाय मुझे कुछ होने लगा.